हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक टेंजेंट की मैं इम्पोर्टेंट एग्जांपल के बारे में बात करूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है बेटा? प्रूव दैट लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स टू ए पैराबोला व्हिच कट वन अनदर एट कांस्टेंट एंगल अल्गामा इज ए हाइपरबोला। मैं देखो मैं पैराबोला ले लिया बेटा जी कोनिक, ओके यहाँ पे टू टेंजेंट्स ड्रॉ किए, पॉइंट का लोकस जो आ रहा है, इस पॉइंट का जो लोकस है बेटा हमने रिपेयर करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट टू द पैराबोला व्हिच कट वन अनदर एट कांस्टेंट एंगल अल्फा गामा इज ए हाइपरबोला। इस पॉइंट का लोकस क्या आ रहा है बेटा? हाइपरबोला आ रहा है। हमने ये प्रूव करना है ला पी पॉइंट क्यू पॉइंट लेट ये लिखे बेटा पॉइंट एफ पी थीटा वन एंगल, इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखे हैं एफ क्यू थीटा टू। देन लेट इक्वेशन ऑफ कोनिक, बेटा इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या लिखा एल अपॉन आर वन माइनस बेस पर मत से वन माइनस ई कोस थीटा, यहां पर लिखे हैं वन माइनस कोस थीटा, ओके cos e किसके इक्वल होता है बेटा पैराबोला। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी एंड बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने आपको प्रूव करवाया बेटा आर्टिकल में क्या है l अपॉन r इक्वल टू माइनस e cos थीटा, e किसके इक्वल है बेटा 1 प्लस cos थीटा माइनस थीटा 1 एंड इसको इक्वेशन नंबर टू लिख लीजिए एंड एल अपॉन आर इक्वल टू माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा थर्ड इक्वेशन, ओके मेरे पास ये आ रहा है फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा वन इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा cos theta minus theta 1 equal to cos theta minus theta 2 इसको ऐसे लिखते हैं cos minus theta 2 because आपको मालूम है cos minus theta is equal to cos theta so theta minus theta 1 equal to theta minus theta 2 or theta minus theta 1 minus theta plus theta 2 then theta 1 not equal to theta 2 because different angle so result यहाँ पे 2 theta equal to theta 1 plus theta 2 theta is equal to theta 1 plus theta 2 by 2 मेरे पास ये affirmation put in second या third put in second मेरे पास क्या है बेटा l upon r equal to minus cos theta 1 plus theta 2 by 2 plus cos यहाँ पे theta 1 plus theta 2 minus theta 1 ओके कितना आ गया बेटा थीटा टू माइनस थीटा वन बाय ओके एल अपॉन आर इक्वल टू कॉस सी माइनस कॉस डी टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन डी माइनस सी अपॉन टू ओके मेरे पास ये इक्वेशन आ गई बेटा करने के इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसने क्या कहा बेटा इसमें कांस्टेंट एंगल गामा जो टेंजेंट है वो कितना एंगल बना रहे हैं गामा फ्रॉम सेकंड एल इक्वल टू माइनस आर कोस थीटा प्लस आर बेटा कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन एंड फ्रॉम थर्ड L equal to minus R cos theta plus R cos theta 2 plus R sin theta बेटा आपको मैं polar equation of conic first या second lecture बताया था कैसे change करते हैं Cartesian product और उसमें relation क्या था बेटा polar form में x को R cos theta y को R sin theta तो मेरे पास equation क्या है बेटा L equal to
माइनस एक्स प्लस एक्स कॉस थीटा वन प्लस वाई साइन थीटा वन एंड एल इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स कॉस थीटा टू प्लस वाई साइन थीटा टू। ओके, मेरे पास इक्वेशन क्या बनी बेटा, एल इक्वल टू माइनस वन माइनस कॉस थीटा वन एक्स प्लस वाई साइन थीटा वन। ओके, एंड इसकी क्या इक्वेशन है ये बेटा, एल इक्वल टू माइनस वन माइनस कॉस थीटा टू प्लस वाई साइन थीटा। अब हमें स्लोप, क्योंकि हमें एंगल निकालना है बेटा, ये स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई एम टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। इसके बाद बेटा मेरे पास ये आ गया टेन थीटा, देखना बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू टेन गामा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू ऑन वन प्लस एम वन एम टू। पुट द वैल्यू ऑफ दिस, वन माइनस कोस थीटा वन अपॉन साइन थीटा वन माइनस वन माइनस कोस थीटा टू अपॉन साइन थीटा अपॉन वन प्लस वन माइनस कोस थीटा वन अपॉन साइन थीटा वन वन माइनस कोस थीटा टू अपॉन साइन थीटा। ओके, इसके बाद बेटा आगे क्या वैल्यू बनी बेटा, साइन थीटा टू माइनस कोस थीटा वन साइन थीटा माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा वन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा वन साइन थीटा टू प्लस वन माइनस कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा वन कॉस थीटा। ओके, मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, माइनस थीटा टू बाय टू कॉस
थीटा वन माइनस थीटा टू बाय टू माइनस कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाय टू, ये कैंसिल हो गया बेटा। मेरे पास क्या है, टेन गामा इज इक्वल टू साइन कॉन कॉस टेन थीटा वन माइनस थीटा टू बाय टू। तो गामा किसके इक्वल है बेटा, थीटा वन माइनस थीटा टू बाय टू। तो यहाँ पे 2 गामा किसके इक्वल है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 फ्रॉम 4, 2 थीटा किसके इक्वल है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। ओके मेरे पास ये बन गया बेटा सूट। देखना आगे बेटा सॉल्व दिस टू, तो 2 थीटा 1 क्या आ गया बेटा, 2 गामा प्लस 2 थीटा, तो थीटा 1 क्या बना बेटा, थीटा प्लस गामा एंड सब्ट्रैक्ट दिस 2 थीटा 2 2 थीटा माइनस 2 का थीटा 2 थीटा माइनस का, पुट इन इक्वेशन नंबर 5 एल अपॉन आर 2 साइन थीटा 2 थीटा प्लस गामा बाय 2 साइन थीटा माइनस गामा बाय बेटा 2 साइन ए साइन बी, दिस वन इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी cos a minus b cos a minus b gamma okay cos gamma minus cos a plus b theta okay। तो मेरे पास क्या है बेटा l upon r equal to, हमें फॉर्मूला जो होता है ना पैराबोला लिप्स हाइपरबोला क्या आता है बेटा 1 minus e cos theta, यदि e 1 है तो पैराबोला a लाइन टू जीरो है वन लिप्स a ग्रेटर देन आई को, तो l upon r बेटा 1 upon secant gamma minus cos theta, तो मेरे पास कितना है l secant gamma upon r equal to 1 minus secant gamma cos theta। तो यहां पे सेंट्रिसिटी किसके इक्वल है यहां पे बेटा secant gamma, ओके दिस वन इज ग्रेटर देन, ओके जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम क्या कहेंगे बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा हाइपरबोला। ये थी बेटा एक एग्जांपल टेंजेंट की, मैं और भी एग्जांपल करूंगा बेटा इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सो थैंक यू वेरी मच।